इलेवेंथ प्रिंसिपल, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी पर्सनल पर्सन है, यानी कि इंडिविजुअल्स है, जो एम्प्लॉयज है, जो जॉब करने के लिए आए हैं, उन एम्प्लॉयज को यहाँ पे कंपनी के अंदर, एक कोई कंपनी है, उस एम्प्लॉय जो भी एम्प्लॉयज काम करने आए उस कंपनी के अंदर, उन एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग देना, जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग प्रोवाइड करना, यानी कि जॉब सिक्योरिटी देना उन एम्प्लॉय को, ये इम्पॉर्टेंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी एम्प्लॉय काम करने आया है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनको यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना ये ऑर्गेनाइजेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनका फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं करना, नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, उनको जल्दी से ट्रांसफर ना करना, किसी भी एम्प्लॉय का जल्दी से ट्रांसफर ना करना, फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन ना करना, नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब होता है उनको जल्दी से हटाना नहीं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। यानी किसी भी एम्प्लॉय को अगर हम जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो एम्प्लॉय अपनी फुल्ली कैपेसिटी के साथ काम करेगा। इसलिए किसी भी एम्प्लॉय को अगर हमने जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करी तो वो एम्प्लॉय क्या करेगा, फुल कैपेसिटी के साथ वर्क करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसलिए मैनेजमेंट का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जो भी उनके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके अंडर में, उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जिससे वो अपनी फुल्ली कैपेसिटी के साथ वर्क कर सके ऑर्गेनाइजेशन में, उनको लगे कि हमारी यहाँ जॉब सिक्योर है तो वो प्रॉपरली अपने वर्क को और ढंग से तरीके से करेंगे, ये उनका नेचर है। लेकिन अगर उनको ये लगता है कि हमारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या हमारा टर्मिनेशन हमें हटा दिया जाएगा, तो वहाँ पर वो रिसोर्सेज जो होंगे उनका वो क्या करेंगे, वेस्टेज करेंगे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करेंगे। तो एम्प्लॉय को के जो माइंडसेट है, एम्प्लॉय का जो माइंडसेट है, उसको माइंडसेट को एक ऐसी फीलिंग देना कि आपकी जो जॉब है वो सिक्योर है, यही स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सनल कहलाता है। उनको ये बताना कि आपका ट्रांसफर नहीं हम करेंगे, उनको ये फीलिंग दिलाना कि आपका टर्मिनेशन नहीं करेंगे, जिससे वो प्रॉपरली अपनी जो स्टेबिलिटी है उसको और इंक्रीज करेंगे वर्क के लिए और फुल्ली कैपेसिटी के साथ वर्क करेंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो प्रॉपरली अचीव होंगे टाइम पर। क्योंकि एम्प्लॉय इज अ स्पाइनल कॉर्ड ऑफ अ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फर्म, किसी भी बिजनेस का जो एम्प्लॉय है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी देना ये इम्पॉर्टेंट माना गया है। इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सनल क्या कहता है कि एम्प्लॉय को हटाओ मत, एम्प्लॉय का ट्रांसफर मत करो, एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग दो, और जिससे एम्प्लॉय अपने वर्क को तेजी से इंक्रीज करेगा। मान लो किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसको दूसरी जॉब लर्न करने में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम अराइज इन लर्निंग अ जॉब, किसी भी दूसरी जॉब को लर्निंग करने में यहाँ पे दिक्कत आती है उस एम्प्लॉय को। इसलिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि जॉब सिक्योरिटी देना, ट्रांसफर ना करना। ट्रांसफर करेंगे तो उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा एम्प्लॉय पर, कि अगर उसका ट्रांसफर हो गया तो वो जॉब को लर्न करने के अंदर यहाँ पे अपने आप को मुश्किल में पाएगा, बहुत मुश्किल आएगी उसको उस दूसरी जॉब को लर्न करने में, सेटल होने में दूसरी जॉब के अकॉर्डिंग। सो जो भी टेन्योर है एम्प्लॉय का, टेन्योर मतलब टाइम पीरियड, उसके अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करना, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। उसके अंदर अगर आप उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन कर दी, आपने ये मेंटेन कर दिया कि एम्प्लॉय की जॉब सिक्योरिटी है, आपने एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करके रखा, एम्प्लॉय का माइंड सेट चेंज कर दिया कि एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म के लिए है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय अपनी फुल्ली कैपेसिटी के साथ वर्क करेगा और जो रिसोर्सेज है, जो एफर्ट्स है, एनर्जी है, उनका वेस्टेज नहीं करेगा। सो वापस हम रिपीट कर लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सनल ये बताता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका टर्मिनेशन ना करना, फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन, नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर,
अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड अ फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमॉन्ग द एम्प्लॉयज. जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके अमॉन्ग जॉब सिक्योरिटी देना, ये ही मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ माना गया है. अगर इसका फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करता है तो यहाँ पे वो जॉब को लर्निंग करने में वो भी अपने आप को एक प्रॉब्लम में पाएगा और मुश्किल होगी उसको नए जॉब को लर्न करने में और सेटल होने में उसके अकॉर्डिंग. सो डैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. इसमें यह बताया गया कि एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग प्रोवाइड करा जाए, जॉब सिक्योरिटी दी जाए जिससे एम्प्लॉय अपनी फुल एबिलिटी के साथ वर्क को करके अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करें.